तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। सालार हैज ऑफिशियली पोस्टपोन्ड। क्यों हो गई, कैसे हो गई, क्या कारण रहा, तो अब न्यू रिलीज डेट कब है, ये तो सब बाद में बताऊंगा। इसी के साथ सैटेलाइट साइज जो बिके हैं उस पर भी थोड़ा डिटेल टू डिटेल चर्चा करेंगे और भी कुछ एक बड़ी बड़ी अपडेट हैं सालार को लेकर। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर प्रभास के डायहार्ट फैन हैं और सालार से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तब दोस्तों एवरीवन नोज मूवी को 5 भाषा में रिलीज करा जाना है। किसे? सालार को। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी। तो दोस्तों बिग अपडेट ये है कि अभी से ही सालार के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के OTT राइट्स बिक चुके हैं। कहां पर? नेटफ्लिक्स पर। मतलब इन चारों भाषाओं में मूवी को नेटफ्लिक्स में चलाया जाएगा, नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। लेकिन हिंदी का अभी कोई जिक्र नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में अभी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से ह्यूज कलेक्शन तो आता ही आता है। एक बात तो बताऊं कि हिंदी से ह्यूज कलेक्शन आता दिखता है। तो हो सकता है मे बी डबिंग कंप्लीट ना हुई हो या कुछ और बड़े कारण रहे होंगे उनके खुद के, आई डोंट नो। इसी के साथ साथ मूवी के सैटेलाइट राइट बिक चुके हैं, म्यूजिक और ऑडियो डिजिटल राइट भी बिक चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे राइट्स बिक चुके हैं। कितने में? लगभग 350 करोड़ रुपये में। अभी सारा कुछ नहीं बिका है, अभी बचा है हिंदी लैंग्वेज का भी बचा है और क्या कहते हैं थिएटिकल राइट्स बचे हैं। तो थिएटिकल राइट जब बिकेंगे ना तो भाई साहब आग लगा देंगे, बाय गॉड। क्योंकि एक छोटे मोटे लूपहोल सोर्सेस से ये पता लगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मूवी लगभग 200 करोड़ का डिमांड कर रही सिर्फ थिएटिकल राइट से। तो आप सोच सकते हो कि पूरी इंडिया से ये कितना जा सकता है। मतलब बिग कंटेंट मूवी है तो बिग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ले जाएगी, तो बड़ा अमाउंट भी ये खींचेंगे। तो मूवी ने अभी धमाका मचाना शुरू कर दिया है, अभी से ही ये यूनिक पार्ट दिख रहा है मूवी का, सालार का। ये है दम प्रभास का, बाय गॉड। तो अब आते हैं काम की बात पर। दोस्तों मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सालार को पोस्टपोन करा जा रहा है। मतलब 28 सितंबर को क्लीन चिट मिल गई कि मूवी नहीं आनी है इस दिन को, 28 सितंबर को मूवी का लंबा पोस्टपोन कराया गया है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मेकर्स ने क्या कहते हैं लंबा पोस्टपोन क्यों कर दिया, तो ये इसलिए क्योंकि न्यू रिलीज डेट अभी कोई नहीं आई है कि कब ये मूवी आ सकती है, या बिल्कुल मेकर्स की तरफ से कोई लूपहोल दिया ही नहीं गया है। हालांकि रीजन तो ढेर सारे बताए हैं कि लंबा चौड़ा फर्रा तैयार करके ये बताया वगैरह वगैरह कि फलाना ढिमाका क्यों करा क्यों नहीं करा, लेकिन मैं आपको मेन रीजन बताऊंगा तो VFX के पार्ट में कमजोर है सालार अभी। इसलिए प्रशांत नील चाहते हैं कि इस वाले पार्ट में सॉलिड काम होना चाहिए। जब उन्हें लगेगा कि यस मूवी 100% हो गई है या VFX के पार्ट में 100% काम हो गया है तो अब इसे रिलीज करने लायक हो गई है, तो वो रिलीज कर देंगे और डेट भी अनाउंस कर देंगे। वो खुद ही इस मूवी को हरी झंडी दिखा देंगे, क्योंकि सोर्सेस से पता लग रहा है करीबन 600 VFX के पार्ट पर सूट पर काम करा जाना है या फिर काम चल रहा है, और इन VFX सूट में काम करने के लिए मल्टीपल कंपनीज को रीच आउट किया है। तो अभी कुछ पार्ट्स में काम फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ प्रशांत नील ये ऐसा डायरेक्टर है, ये परफेक्शन के लिए पागल है ये बंदा। मतलब परफेक्शन के लिए इसे कितना भी टाइम लग जाए नो प्रॉब्लम, पब्लिक को बेस्ट कंटेंट देने के लिए हाईएस्ट एक्सीलेंसी तक जाएगा ये बंदा। और एक बार के लिए उस एक्सीलेंसी में पहुंच भी गया तो ये वहां पर जाके एक एक करके पहले चेकआउट करेगा देन जब उसे लगेगा कि अब ठीक है तभी हमारे सामने मूवी आ जाएगी। तो कोई नहीं, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो कुछ और टाइम और सही, क्योंकि हमने इस मूवी का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से किया है और सालार का फल हमें मीठा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। लगभग KGF 2 के आसपास से ये अनाउंसमेंट होने लग गई थी आई थिंक, तो लगभग एक साल से हम इसको कवरअप करते आ रहे हैं, इसका वेट करते आ रहे हैं, तो कुछ एक आध महीने और सही। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मूवी अब 24 फरवरी तक ही आनी है, क्योंकि नवंबर में Tiger 3 आ रही है और दिसंबर में एनिमल मूवी बैठी है और जनवरी में ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी आनी है। तो अभी फरवरी 2024 में अभी इसके पास क्लीन खाली मैदान है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस ज़बरदस्त कंटेंट के लिए आप कितना वेट कर सकते हैं? क्या आप 3-4 महीने तक वेट कर सकते हैं फरवरी या 2024 तक, या आपके हिसाब से मूवी को एक आध महीने के अंदर या फिर अगले महीने तक ही रिलीज़ कर देना चाहिए? तो आप लोग कितना वेट कर सकते हैं या आपकी क्या राय है वो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।